अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में, मऊ की सीमा में दशा नहीं आना है। ठीक है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, कुछ ऐसा ही हाल हुआ समाजवादी पार्टी के नेता विद्युत यादव के साथ, जिन्हें यूपी पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ जिले से धकेल कर बाहर निकाल दिया। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने पहले ढोल नगाड़े बजाए, फिर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लेते हुए सपा नेता को बाहर खदेड़ दिया और यहां तक कह दिया कि अगले 6 महीने तक सपा नेता मऊ में दिख गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में, मऊ की सीमा में दशा नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी, 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा, मुकदमा लिखाएगा जेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्रवाई आखिर चर्चा में क्यों है। दरअसल विद्युत यादव अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों के करीबी माने जाते हैं। सपा नेता विद्युत यादव मऊ के बडराव ब्लॉक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ ये कार्रवाई गुंडा एक्ट के तहत हुई। पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया था। इन सदस्यों ने सपा नेता का समर्थन करते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन भी उनके काम नहीं आया और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें जिले से धक्के मार कर निकाल दिया। मऊ पुलिस बाकायदा सपा नेता विद्युत यादव को साथ लेकर आई और फिर मऊ जिले की सीमा तक ले गई। इसके बाद ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें जिले से बाहर खदेड़ते हुए कहा कि भाग जाओ, अगर 6 महीने के पहले दिख गए तो खैर नहीं। इसके बाद सपा नेता चुपचाप अकेले वहाँ से निकल गए और कहा कि वो अगले 6 महीनों तक यहाँ नहीं दिखेंगे। समय की विडम्बना तो देखिए, जहाँ कभी मऊ जनपद में सपा नेता की तूती बोलती थी तो वहीं अब उनकी हालत हो गई कि वो दुम दबाकर पुलिस के सामने नगाड़े और ढोल की आवाज के बीच भागते हुए नजर आए। आप अब अगले 6 माह तक इस सीमा में किसी भी दशा में, मऊ की सीमा में दशा नहीं आना है। आओगे तो वैधानिक कार्रवाई होगी, 10 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत जेल भेजूंगा, मुकदमा लिखाएगा जेल। आपको बता दें कि सपा नेता विद्युत यादव पर लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसमें वो जमानत पर चल रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके सारे रसूख को दरकिनार करते हुए इन्हें जिला बर्दर कर दिया। वहीं इनके भतीजे भाजपा और संघ से करीबी बना करके खुद को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन विद्युत यादव पहले तो लगातार बच रहे थे, लेकिन अब उन पर सख्त एक्शन ले लिया गया है। अभी तक खुद विद्युत यादव या फिर सपा के किसी दूसरे बड़े नेता ने इस कार्रवाई पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सभी को हैरान कर रहा है, क्योंकि एक वक्त में विद्युत यादव की ताकत मऊ में काफी ज्यादा थी। उनका वर्चस्व माना जाता था, पुलिस भी कार्रवाई करने से बचती थी, लेकिन इस बार जब एक्शन हुआ तो हर कोई देखता रह गया। जिले से बाहर का रास्ता देखते वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बिना कुछ बोले ही वो वहां से भाग पड़े। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।